घरों से बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने की जगह आजकल लोग अपने घर पर ही ऑनलाइन फूड बेहद आराम से ऑर्डर कर लेते हैं। मगर ये खबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप भी अपने घर में आए किसी भी डिलीवरी बॉय को पानी पिलाने से पहले कई बार सोचे। दरअसल जोमेटो से खाना देने आया 40 साल का रईस शेख जबरन 19 साल की लड़की को किस कर दिया। यही नहीं, बाद में ये कह गया कि अंकल हूँ तुम्हारा, कुछ जरूरत हो तो बताना जरूर। बताया जा रहा है कि ये मामला पुणे का है। लड़की के मुताबिक 17 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उसे घर पर फूड डिलीवर किया। उसी दौरान उसने लड़की से पानी मांगा, लड़की ने उसे पानी पिलाया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी लड़की ने उम्मीद तक नहीं की होगी। लड़की जैसे ही पानी लेकर आई, वह उससे घर वालों के बारे में पूछने लगा। लड़की ने बता दिया कि वह फ्लैट में अपने 2 दोस्तों के साथ रहती है जो इस समय अपने घर गई हुई है। डिलीवरी बॉय को जैसे ही पता लगा कि लड़की घर में अकेली है तो उसने दोबारा एक गिलास पानी मांगा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और जबरन 2 बार गाल पर किस कर दिया। जाते हुए डिलीवरी बॉय ने लड़की से ये भी कहा कि अंकल हूँ तुम्हारा, कुछ जरूरत हो तो बताना, बेझिझक बोल देना मुझसे। रईस एक लड़की को व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करने लगा, जिससे वह काफी डर गई। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया और डिलीवरी बॉय पर शोषण का आरोप लगाया। बता दे कि डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर सुरक्षा को लेके कई सवाल खड़े हुए हैं। शहरों में फूड डिलीवरी ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर खाना ऑर्डर किया जाता है। सवाल ये है कि क्या फूड डिलीवरी ऐप कंपनियां अपने कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच करती हैं? क्या वे अपने कर्मचारियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती हैं? खैर, आपका क्या सोचना है इस मामले पर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर आप तक।